अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली और आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। आपके घर में जैसे ही पहला दीपक जले, मैं तो कह रहा हूँ सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। तो चलते हैं मूवी रिव्यू में। भाई टाइगर 3 देखी है और फाड़ के आई है ये मूवी, जबरदस्त फाड़ डाला। एंड दिस इज अमेजिंग। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला है। देखो, इस मूवी से कोई हिट हो ना हो, किसी का कमबैक हो ना हो, लेकिन भाई लॉर्ड इमरान हाशमी का कमबैक श्योर है, डेफिनेटली। इस बंदे ने जो लेके रखी है टाइगर की पूरी मूवी में, फर्स्ट हाफ में तो यही चमकते रहा है। तो सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे विदाउट एनी स्पॉइलर। आपको यहाँ से कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करूँगा कि आपका मूवी में एंटरटेनमेंट में मज़ा ख़राब हो जाए, बजाय इसकी कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट जनरेट कर देंगे, क्योंकि भाई मूवी बहुत प्यारी है, स्टोरी बहुत प्यारी है, एक्शन भर भर के मिला है। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना बदला इमरान हाशमी ले पाया है या नहीं ले पाया है, सलमान खान का न्यू लुक यहाँ से दिखा है या नहीं दिखा है, क्योंकि पिछले टाइम से बहुत मूवी पिटते हुए आ रही थी, तो इसमें ये चमका है या नहीं चमका है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, अगर आपको एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा बेस्ट पार्ट इस मूवी का ये है कि मूवी में सभी को इक्वल रोल मिला है। वो किसी का भाई किसी की जान की तरह नहीं, या फिर राधे मूवी की तरह नहीं कि आपको हर जगह सलमान खान ही देखने को मिलेंगे। एंट्री देन री एंट्री, स्लो मोशन में एंट्री, बस सलमान खान पर ही कैमरा, मतलब हीरो ना हो गया एक बार के लिए, मोदी हो गया, जहाँ जाओ वहाँ कैमरा। तो ये वाला पार्ट यहाँ से स्किप कर दिया गया है, इक्वल रोल दिया गया है और अच्छा खासा रोल दिया गया है। नाउ टॉक अबाउट मूवी की फर्स्ट थिंग, भाईजान की एंट्री ने लिटरली हिला के रख दिया। वो सुपर सॉलिड एंट्री बाइक वाला वो सीन यार, एक बार के लिए मतलब मिशन इम्पॉसिबल वाला फील देखे गया है, वो वाली वाइब देखे गया है। दूसरा, क्या सॉलिड एक्शन किया है यार भाईजान ने इस बार, और जबरदस्त किया है। मुझे मिला है एक्शन में जो फाड़ा है इस बार, वो सुपर सॉलिड तरीके से फाड़ के गए हैं, बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके साथ साथ एक्शन की बात कर लेते हैं, मूवी में कैसा क्या मिलने वाला है आपको, फाड़ के डाला है बिल्कुल। बहुत एक्शन मूवी देखी होंगी, लाइक चलो वायरफ की ही ले लेते हैं, पठान अभी जो आई थी, देन वॉर मूवी आई, टाइगर फर्स्ट पार्ट आया एंड देन सेकंड पार्ट टाइगर जिंदा है। तो भाई लेकिन इस मूवी को, टाइगर 3 को, वायरफ की ही ये मूवी है, इसको देखकर ऐसा लगा कि इट हैव समथिंग न्यू। और यस, वही था चेजिंग एक्शन सीन आपको कूट कूट के भर के मिलने वाला है, विथ हाई डिजाइन ऑफ VFX एंड CGI इफेक्ट, मतलब सिनेमाटोग्राफी पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है और जबरदस्त ध्यान दिया गया है। दूसरा यार, मेहनत तो करी है डायरेक्टर एज वेल एज ऑल कास्ट, प्लस स्टोरी लाइन इस मूवी का जो एक्स फैक्टर है, क्योंकि एक्शन मूवी में हमको यार बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन में उतना मज़ा नहीं आता है। पठान के टाइम पर हमने देखा कि यार स्टोरी लाइन में थोड़ा सा पार्ट डाउन दिखा, एक्शन वैक्शन सब कुछ बढ़िया था, लेकिन स्टोरी के टाइम पर थोड़ा पार्ट डाउन दिखा, लेकिन इसमें स्टोरी पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है और स्टोरी लाइन बेहतरीन है। मतलब रिवेंज कॉन्ट्रोवर्सी है, और अगर अपोजिट में इमरान हाशमी ना होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिवेंज कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बेहतरीन तरीके से हो सकती थी। तो स्टोरी लाइन विथ सुपर सॉलिड एक्शन, ऑल आर अमेजिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। भाई इस मूवी का कोहिनूर, नाउ टॉक अबाउट लॉर्ड इमरान हाशमी, एज मच एक्सपेक्टेड इस बंदे ने इससे भी ऊपर वाला बज सेट करके फाड़ा है। सिर्फ टाइगर भैया की रेड नहीं मारी है, जोया भाभी की भी लेके रखी है, वो वाला नहीं, जबरदस्त, मतलब एक रिवेंज लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए, जिस हद तक, जिस नीचे गिर सकता था, जिस निगेटिविटी को, जिस ब्रुटैलिटी को वो ला सकता था अपने अंदर, वो सब उसने निचोड़ के लाया है और ज़बरदस्त लेके आया है। तो भाई एक बार के लिए ना सलमान खान का इतना हेल्पलेस रोल कहीं नहीं देखने को मिला है, कभी भी देखने को नहीं मिला है, जितना उनकी खुद की सिक्वल, खुद की फ्रेंचाइजी है जिसके नाम से ये मूवी चलती है, उस टाइगर 3 के थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिला है। फैन हो गया मैं यार इस विलेन का, और मैं एक्साइटेड भी सबसे ज़्यादा इस बंदे के लिए ही था। अगर ये मूवी हिट होती है ना, बाय गॉड मूवी अगर हिट होती है, तो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस मूवी गोज टू हिम, मतलब इस बंदे ने जबरदस्त काम किया है और फाड़ के काम किया है। अब आते हैं कटरीना भाभी पर। भाई इन्होंने भी काम जबरदस्त किया है, इनके जो सिंगल कॉम्बैट एक्शन वाला सीन और वो टावल वाला फाइट वाला सीन, जो सिर्फ आपको ट्रेलर में दिखाया गया था, जो सिर्फ ट्रेलर था,
छोटा सा, और आपको मूवी में कितना ज्यादा मिलने वाला है आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि बहुत फाड़ के मिला है। अब आते हैं म्यूजिक एंड बीजीएम पर। गूजबम्स का नाम सुना है आपने? अगर यस सुना है तो इसमें आपको इतना गूजबम्स मिलने वाला है, इतना गूजबम्स मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा गूजबम्स उठेंगे। एक बार के लिए आपको लगेगा कि आपकी तस्वीर जो है सीट पर नहीं चिपकी पड़ी है, हवा में लटक चुकी है। एक्शन वाले पार्ट में जो म्यूजिक आया है फाड़ के, वो जबरदस्त हिट करके गया है। वैसे आप सब बता रहे हो कैमियो तो बताओ, जिसके दम पर वायरब बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा था। क्या पठान आया था अपना एहसान चुकाने? जी हाँ बिल्कुल आया था, और ज़बरदस्त आया है, 15 मिनट से ऊपर आया है। मतलब एक बार के लिए थोड़ा फनी एक्शन लगा, लेकिन हाँ दोनों की केमिस्ट्री यार सॉलिड केमिस्ट्री हुई है, और जो फाड़ा है इन दोनों ने, एंडिंग बहुत प्यारी है, पब्लिक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है मेकर्स ने। मतलब दिमाग लगाया है और अच्छा खासा दिमाग लगाया है। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर दे देते हैं कि नेशनल एंथम बजाया गया था, और ये बहुत बेस्ट पार्ट लगा, बेस्ट मोमेंट लगा, मैं और दिल को टच किया और अच्छा खासा टच किया। दूसरा, मूवी ख़त्म हुई लेकिन बहुत सॉलिड होप सेट करके गई है, आगे क्या क्या होने वाला है वो चीज़ थोड़े से कुछ चंद सेकंड में या फिर मिनटों में ही हमें बता दिया गया कि अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। लाइक वॉर 2 का कनेक्शन सेट करके गए हैं, कबीर सिंह की एंट्री है या नहीं है ये नहीं बताएंगे, है पैसा वसूल मूवी है तो, और यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है, वायरफ ने बहुत अच्छा एक क्लू सेट कर दिया है, होप सेट कर दी है। टाइगर वर्सेस पठान जो आगे होने वाला है उसकी भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंदाजा या उस हिसाब की विजन है आपके पास, तो आप थोड़ा सा सेट कर लो। स्टोरी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है एक्शन मूवीज में, लेकिन इस पे ध्यान दिया गया है तो वो भी सॉलिड है। आप जाएं और देखें, मजा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।